Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, I won't get lost now. To the moonlight, I see you are real right now. You look into my eyes and fell off really. And nothing but a feel like. Hello friends, welcome back to my channel Tricky Girl. I hope कि आप सभी अच्छे होंगे. मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है. आज हम क्रिएट करने जा रहे हैं वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक. सो आर यू रेडी फॉर दिस? अगर आप भी इस तरह का लुक क्रिएट करना चाहते हैं तो प्लीज़ उसके लिए हमारे वीडियो को एंड तक देखें. और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसके लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें. सो चलिए हम अपना लुक क्रिएट करते हैं. सो इस मेकअप लुक को स्टार्ट करने के लिए मैंने सबसे पहले लिया है जॉनसन बेबी ऑयल अपने फेस को मॉइस्चर करने के लिए. देखिए, और इस तरह से मैंने लगाया है. जहाँ तक मुझे मेकअप करना है वहाँ तक मैं इसको लगाऊंगी. इस तरह से आपको लगाना है और थोड़ी देर के लिए अपने फेस को ऐसे ही छोड़ देना है लगाने के बाद. देखिए, अब इसके बाद मैंने लिया है ये प्री मेकअप सेटर है, वो स्प्रे, उसको अपने चेहरे पर लगाया है और इसको थोड़ा ड्राई होने के लिए छोड़ दिया है इस तरह से. अब इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी अपनी आईब्रोज़ को फिल करना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैंने ब्लैक कलर लिया है, आप चाहें तो डार्क ब्राउन भी ले सकते हैं, वो भी काम करेगा. मैंने लिया है यहाँ ब्लैक कलर. देखिए, इस तरह से आपको धीरे धीरे अपनी आईब्रोज़ को फिल करना है इस तरह से. ठीक, अब देखिए, इसके बाद मैंने दोनों आईब्रोज़ फिल कर ली हैं. मैं इसको सेट करूँगी. इसके लिए मैंने लिया है फाउंडेशन को, एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं इसको सेट करूँगी. देखिए, इस तरह से आपको लगाना है. जैसे भी आप शेप देना चाहते हैं उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं. देखिए, अब ये मैंने दोनों आईज़ में नीचे की साइड लगा लिया है. अब मैं ऊपर की तरफ स्टार्ट करूँगी. देखिए, इस तरह से लगाना है आपको. सो देखिए, दोनों जो आईब्रोज़ हैं मेरी सेट हो चुकी हैं एकदम परफेक्ट. देखिए, और मैं आईज़ पर भी जो फाउंडेशन है उसको लगा लूँगी इस तरह से. उसके बाद मैंने लिया है फेस पाउडर यहाँ पे लगाने के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए जो फाउंडेशन मैंने लगाया है. देखिए, इस तरह आपको लगा लेना है अच्छे से, ताकि आप कोई भी कलर लगाएं आई शेडो का तो वो निकल के आए. अब देखिए, मैं अपने फेस पर फाउंडेशन को लगाऊंगी इस तरह से. आप गर्दन तक लगाएं ताकि आपकी गर्दन का कलर और फेस का कलर जो है वो मैच करे. आप अगर फेस पर मेकअप करते हैं तो वो मैच नहीं करता है. गर्दन अलग लगती है और फेस अलग लगता है. और इस तरह मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड करूंगी. ब्लेंड होने में थोड़ा टाइम लगता है, आपको इसी तरह ब्लेंड करना है. ऐसे नहीं कि आप इसको एकदम खींच खींच के ऐसे करें, तो आपको इस तरह नहीं करना है. धीरे धीरे आपको इस तरह ब्लेंड करना है. थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपका जो फाउंडेशन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से लगेगा आप अगर इस तरह करते हैं तो. देखिए, गर्दन तक मैंने लगाया है तो मैं वहाँ तक ब्लेंड करूँगी. देखिए, एकदम परफेक्टली ये ब्लेंड हो चुका है. अब मैंने लिया है ये कंसीलर अपने आईज़ के लोअर पार्ट में लगाने के लिए. देखिए, यहाँ लगाऊँगी इस तरह से नोज़ पे, और लिप्स के बगल में थोड़ा सा ब्लैक एरिया है वहाँ लगाऊंगी. और इसको भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इस तरह ब्लेंड कर लूँगी. देखिए, इस तरह ब्लेंड कर लेना है आपको टैप टैप करके. थोड़ा टाइम लगता है, बट इसी तरह आपका जो फाउंडेशन है, कंसीलर है, अच्छी तरीके से ब्लेंड हो पाता है. आप अगर जल्दबाजी करेंगे तो नहीं हो पाएगा और रैशेज दिखने लगते हैं आपके फाउंडेशन के. अब मैंने लिया है फेस पाउडर. देखिए, ये यहाँ लगाया मैंने आईज़ के नीचे और अपने फेस पे, ताकि जो फाउंडेशन है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग रहे और एकदम केकी केकी ना लगे इसलिए. तो देखिए, और जो आईज़ वाला का लोअर वाला पार्ट है वहाँ मैं बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से लगाऊंगी. अब मैंने लिए है ये आई शेडो पैलेट. तो मेरी जो ड्रेस है वो येलो है, ग्रीन है, पिंक है, तो मैंने येलो लिया है आई शेडो, क्योंकि मैं मैचिंग का मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ इस वजह से. सो देखिए, येलो कलर का आई शेडो मैंने अपने आईज़ के लास्ट वाले पार्ट में लगा के उसको ब्लेंड किया है इस तरह से. आपको पीछे से ही स्टार्ट करना है ब्लेंड करना. अब मैंने लिया है कंसीलर अपने आईज़ का जो क्रीज है उसको बनाने के लिए.
आप अगर एक कलर के ऊपर दूसरा कलर लगाते हैं तो वो नहीं दिखेगा जब तक कि आप कोई फाउंडेशन या कंसीलर यूज़ नहीं करते हैं। देखिए इस तरह से, और फिर मैं दोनों आँखों पे इसको लगा लूँगी और फिर मैं लगाऊँगी इस पर थोड़ा थोड़ा सा फेस पाउडर। अब देखिए इसके बाद मैंने लिया है ग्रीन आई शेडो, लास्ट वाला जो कॉर्नर है इसका वहाँ से लगाना स्टार्ट करूँगी और आगे तक लगाऊँगी मैं इसको इस तरह से, ऐसे ही कॉर्नर से करूँगी स्टार्ट। देखिए मैं दोनों आईज़ का मेकअप एक साथ कर रही हूँ ताकि गड़बड़ ना हो कुछ। देखिए दोनों आईज़ पे लग चुका है। अब मैं अपने आईज़ का जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ पे लगाऊंगी ये ग्रीन कलर का आई शेडो। काजल मेरे पहले से लगा हुआ था इस वजह से। देखिए अब मैंने लिया है गोल्डन शिमर, थोड़ा सा इसको शाइनी लुक देने के लिए और आई बॉल को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए। आप चाहें तो ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं, सिल्वर भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए अब मैं लूँगी ये लिया है मैंने कंसीलर अपनी नोज़ को शेप देने के लिए। मैं किसी ब्रश से या फिर ब्यूटी ब्लेंडर से नहीं लगा रही हूँ, मैंने उंगली से ही लगाया है। देखिए इस तरह से, और अपने चीक्स पे भी मैंने अप्लाई कर लिया है इसको, और फिर मैं ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी और उसको ब्लेंड करूँगी अच्छे से। देखिए इस तरह से आपको करना है, इस तरह से करेंगे तभी आपका अच्छे से सेट हो पाएगा। जो ब्लेंडर का फ्लैट वाला एरिया होता है वो इसी लिए होता है ताकि आप अच्छे से इसको ब्लेंड कर सके। देख सकते हैं आप एकदम अच्छे से शेप आ चुकी है फेस और नोज़ की। अब मैंने लिया है फेस पाउडर एक और बार ताकि कहीं भी अगर थोड़ा बहुत कुछ लगा वो अच्छे से हट जाए, जब सेट हो जाए। अब मैं लूँगी ब्लशर, पीच कलर का मैंने लिया है, मुझे पीच कलर थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है ब्लशर में, इसलिए मैंने पीच कलर का यूज़ किया है। आप चाहें तो पिंक कलर का ब्लशर भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए मैंने लिया है ये शाइनर गोल्डन, क्योंकि जो मेरा लहंगा है उसका वर्क गोल्डन है तो इसलिए मैंने गोल्डन यूज़ किया है। आप सिल्वर भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह मैं लगाऊंगी। अब मैं लूँगी लिपस्टिक, मैंने ली है लाइट ब्राउन में लिपस्टिक। ये देखिए इसमें डार्क लग रही है बट ये लाइट ब्राउन है, कलर काफ़ी अच्छा है। देखिए लगाने के बाद सबसे लास्ट में मैंने लगाया है लाइनर, क्योंकि मैं लगाना भूल गई थी इसलिए, इस तरह से। इसके बाद मैं अपने आईलैशेस भी लगा लूँगी। सो अब मेरा लुक स्टार्ट है। देखिए सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसके लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप अगर चाहते हैं कि हम इसी तरह वीडियो बनाते रहें तो प्लीज़ उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। टाटा, बाय बाय एंड सी यू।